हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एक्स फार्मेसी। और टुडेज टॉपिक इज़ अमीका सिंह। इसके कितने एमजी का होता है, कितने एमएल का होता है और इसके यूजेस के बारे में जानते हैं, और कौन से पेशेंटों में दिया जा सकता है, कौन से पेशेंट में नहीं दिया जा सकता है, कब यूज़ होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। अमीका सिंह, जिसको अमीनो ग्लाइकोसाइड के नाम से जानते हैं, ये मार्केट में अमीनो ग्लाइकोसाइड के नाम से प्रोवाइड होता है, और बहुत ही रियल केस में आपको इसको देखने को मिलेगा, पर सुनने को काफ़ी मिलता है। और ज़्यादातर हॉस्पिटलों में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। ये टेबलेट फॉर्म में नहीं होता है, सिर्फ इंजेक्शन या एम्पल फॉर्म में आता है। इसके कई एमजी होते हैं, जैसे 100 एमजी, 250 एमजी, 500 एमजी के इंजेक्शन आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से पेशेंटों को दिया जा सकता है, कौन से पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। जिन पेशेंटों को शोल्डर में या हाथ पैर को ज्वाइंट में या एब्डोमेन में दर्द होता है, तब उनको दिया जा सकता है। एब्डोमेन में, पेट में दे सकते हैं, और बात करते हैं उसके यूटीआई में दे सकते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में दे सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में दे सकते हैं, और या पारियों में भी दे सकते हैं। जैसे कि उनके क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा हो तब दे सकते हैं। एक जेंटामाइसिन के नाम से भी आता है इंजेक्शन, इसी का अमीका सिंह भी होता है, जेंटामाइसिन भी होता है, अमीका सिंह भी होता है, और वैनकोमाइसिन के भी नाम से इंजेक्शन आता है। बस एमजी का इफ़ेक्ट होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रेगनेंसी में इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में पल रहे हैं बच्चे के कान में दिक्कत होती है, उसको सुनाई कम देते हैं, और छोटे बच्चों को नहीं दे सकते हैं। ये इसके कोड ऑफ एक्शन की, ये बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी, इन्फेक्शन फैलेगा, वहाँ पर प्रोटीन बैक्टीरिया सिंथेसिस को रोक देता है, उसको बनने नहीं देता है, और वहाँ पर बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। बहुत सारे हॉस्पिटल में जो क्या बोलते हैं नर्सें होती हैं, या क्या बोलते हैं मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो लोग एविल या डेक्सोना जेंटा मिला के लगा देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जरूर करा लेना या कंसल्ट करा लेना, तब आप वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। डेक्सोना और ये जेंटा का कॉम्बिनेशन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इससे इंजेक्शन फट सकता है, उससे पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, उस चक्कर में पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। तो इससे मतलब आपको प्रेगनेंसी में नहीं देना है, और छोटे बच्चों को नहीं देना, क्योंकि छोटे बच्चों को देने से उसको सुनाई कम देगा। प्रेगनेंसी में देने से पेट में पल रहे हैं, बच्चे को सुनाई नहीं देगा, जब वो बच्चा रिलीफ होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, तो उसको ये दिक्कत। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। छोटे बच्चों को भी नहीं देना है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देगा, और किडनी डैमेज वाले पेशेंटों को नहीं देना है, और जो पैरालिसिस है तो उनको भी नहीं देना, नहीं तो उनको और पैरालिसिस हो सकता है। तो गाइस, ये चलिए दोस्तों अब देखते हैं अमीका सिंह कैसा इंजेक्शन होता है, इसका साइज़ कितना होता है, इसका एम्पुल कैसा होता है, कितने एमएल का होता है, कितने एमजी का होता है। तो चलिए दोस्तों ये देख लीजिए, अमीका सिंह सल्फेट है, अमीका सिंह सल्फेट इंजेक्शन आईपी के नाम से होता है, और इसको मार्केट में मिकाविज के नाम से प्रोवाइड होता है। ये 500 एमजी का होता है, 2 एमएल का होता है, 4 IM और IV में होते हैं, इंट्रामस्कुलर इंटरवेन 2 एमएल का होता है, जो हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ होता है। 135 रुपये का आता है। अब बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, और आप मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दे सकते हैं। इसको अंदर से कैसा होता है, फुल होता है, देख सकते हैं कितना छोटा होता है, ये 500 एमजी का होता है। तो दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, एक ये छोटा सा ही जो बच्चों में दिया जाता है, ये देखिए 2 एमएल का होता है, और ये 100 एमजी का होता है। ठीक है, 100 एमजी का, तो IV IM सिर्फ दे सकते हैं ज़्यादातर। अगर अब इसके डोसेस के बारे में जानेंगे, तो इसको BD के हिसाब से इंजेक्शन दिया जाता है। अगर 50 किलो वेट का कोई इंसान हो तो उसको 15 एमएल पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। तो